नमस्कार दर्शक मित्रों, आपनु हार्दिक स्वागत। तटस्थ निष्पक्ष अने समस्याओने वाचा आपती पोस्कार गुजराती न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब शेयर अने लाइक करो, बेल बटन दबावी समाचारोनी अपडेट निरंतर जोता रहो। ओस्कार न्यूज रोटरी क्लब मुद्रा नान सहयोग थी VMS ब्राइड्स मेगसीन अने कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा मुंद्रा ना ब्यूटिशियंस माटे मुंद्रा मान सेमिनार योजवामां आव्यो, जेमां पूनम बेन सोनी जे कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन नान फाउंडर छे। आ प्रोग्राम नी शुरुआत दीप प्रागट्य अने मंत्र साथे बधा साथे मळीने कर्युं। खास मुंद्रा ना ब्यूटिशियन मोनिका बेन यूनिक ब्यूटी सलून नान साथ अने सहकार थी पूरुं पाडवामां आव्यु। आ सेमिनार मान राजकोट थी भूमिका पाटिया एमनी टीम साथे हाजर रहीने मुंद्रा नी बहेनों ने केमिकल हेर प्रोसेस एंड स्किन रिपेर नू नॉलेज शेर कर्युं हतुं, साथे मॉडेल पर वर्क करीने बताव्युं हतुं। आ सेमिनार मान रोटरी मुंद्रा नी भूमिका ने पड़िया हाजर रह्या हता एंड रोटरी सदाई साथे रहीने आगळ पण आवा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमो मान सपोर्ट आपशे एवुं जाहेर कर्युं हतुं। पूनम बेन सोनी प्रोग्राम नान वच्चे गर्ल्स मोटिवेशन लाइफ स्किल नी समजण आपता जणाव्युं हतुं के फेमिली एंड बिजनेस बेलेंस करी कनी रीते आगळ वधी शकाय छे। पूर्णविराम। आ कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन मुंद्रा नी शुरुआत छे, हजी पण आगळ आगळ एवा प्रोग्राम योजी शकाय एवी शक्यताओ उभी करीशुं। अंतमान आभार विधि व्यक्त करता पूनम सोनी ए रोटरी ग्रुप मुंद्रा नान भूमिका बेन पंड्या ने मोमेंटो अने मोनिका बेन एंड वंशी बेसुटी सलून राजकोट वाला भूमिका ने पाटिया ने पण मोमेंटो थी आभार विधि पूरी करी हती। मेरा नाम मोनिका चौहान है और मैं ऑर्गेनाइज हूँ यहाँ से, मतलब मुंद्रा से। मैंने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और मैं ऑनर हूँ यूनिक मेकअप स्टूडियो बारे रोड पे, मेरा सैलून है। और मुझे मतलब मैंने पूनम मैम को बोला कि मैम हमारे मुंद्रा में भी कोई प्रोग्राम होने चाहिए, हम लोग क्यों मुंद्रा से बाहर जाएं, क्यों नहीं मुंद्रा में ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएं। सो पहले तो सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, उसके बाद में पूनम मैम को, थैंक्स टू पूनम मैम। ये मैम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लेके आए हमारे पास में और नेक्स्ट भी मैम लाते रहें, बस। ये जो आपने जो सेमिनार किया है जी, उससे आपको क्या लगता है कि यहाँ के ब्यूटिशियंस को कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि न्यू स्किल मिलेगा, आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है कि कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो इससे न्यू मिलता ही रहेगा। मे बी ऑन कर भी डन। क्या नाम मैम? भूमिका पाटड़िया फ्रॉम राजकोट। और राजकोट में मेरा सलून है वंसेस ब्यूटी सलून और मैं केमिकल हेयर आर्टिस्ट हूँ एंड स्किन एस्थेटिक हूँ। मैम आप यहाँ पर क्या जो सेमिनार कर रहे हैं उसमें क्या नई बात है? यहाँ पे हम केमिकल हेयर और स्किन एस्थेटिक का सेमिनार और वर्कशॉप करने आए हैं। उसमें नई नई टेक्निक्स है जो जिससे ब्यूटिशियन को बेनिफिट्स होगा और वो अपने क्लाइंट्स को नया नया कुछ दे सकते हैं। इससे क्या नया क्या है ये जो केमिकल हेयर? केमिकल हेयर में टेक्निक्स वगैरह ट्रीटमेंट्स वगैरह हम नए लाए हैं और स्किन में जो बड़े बड़े स्किन सेंटर्स है वो लोग नहीं कर सकते, वो हम यहाँ पे ब्यूटिशियन भी कर सकते हैं विथ मशीनरी एंड ऑल, वो हम लेकर आए हैं। जी मैम, आज किस बात का सेमिनार था और किस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया गया और यहाँ पर कौन कौन आर्टिस्ट आए हैं? जी, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम है और VMS ब्राइड्स मैगज़ीन की मैं ऑनर हूँ, कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन की मैं फाउंडर हूँ और हम लोग कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन के अंदर आर्टिस्ट को स्टेज देते हैं और ब्यूटिशियंस जो हैं उनको जो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, न्यू स्किल टेक्निक की ज़रूरत होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार हम लोग 2 साल से करते आ रहे हैं। कोविड के अंदर हमारा जो काम था वो सबका जैसे अटक गया था, सेम वैसे ही कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन का काम जो है वो बंद हो गया था और आज का जो सेमिनार है मैं बाय गॉड ग्रेस और गणपति बापा की कृपा से, मोनिका जी की मेहनत से और वंशी जी के सहयोग से, आज इन सब ब्यूटिशियंस की सहयोग से मुंद्रा में कोविड के बाद का पहला जो सेमिनार है वो आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और आगे भी मुंद्रा नहीं, सिर्फ मुंद्रा नहीं, कच्छ के डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, गांव हैं, यहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट को लेके जाएंगे। हमारे अंडर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, 500 आर्टिस्ट मेरे अंडर में है कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन के अंडर में,
तो हम लोग आर्टिस्ट को स्टेज देंगे और जो गांव की लड़कियां हैं, ब्यूटिशियंस हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने में लगी हुई हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि कच्छ के जितने भी गांव के गर्ल्स हैं वो एक स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे ब्यूटी फील्ड में जो स्किल डेवलपमेंट होता है, ब्यूटी का जो रहता है नॉलेज, वो हमारे से आके वो नॉलेज गेन करें, वो नॉलेज लें और अपने पैरों पे जो आज लड़कियां खड़ी है उनको और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिले, और ज़्यादा वो अपने पार्लर को आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा वो इनकम ले अपने क्लाइंट से, और क्लाइंट को भी इतना सेटिस्फेक्शन दे कि नहीं, आज हमने जो सीखा है वो हम अपने क्लाइंट पे प्रैक्टिस करके उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरी यही भावना है कि कच्छ के आर्टिस्ट को भी एक स्टेज मिले और कच्छ के ब्यूटिशियंस को भी न्यू स्किल डेवलपमेंट जो है वो कच्छ में ही मिल जाए, उनको कहीं यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं ऐसी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं वो आगे बढ़े। बस मेरा यही है, कच्छ की लड़कियाँ आगे बढ़े। और मेरे सामने हमारे कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन के मोनिका जी हैं, और हमारे सामने जो है वो कच्छ ब्यूटी एसोसिएशन में जो जितने भी लोग आज सेमिनार में आए हैं, मैं उनसे एक रिव्यू लेना चाहूँगी कि आज का जो हमारा हाफ डे का जो सेमिनार अभी बाकी है, लेकिन हाफ डे का सेमिनार उनको कैसा लगा। तो प्लीज़ आप कैमरा उनकी तरफ भी कर लीजिए और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बताएं कि आपको लोगों को कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा।